मेरे प्यारे भाइयों और मोहतरम भाइयों, ये दुआ बहुत प्यारी है। इसे सुकून से सुने और दिल में आमीन कहें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से अपनी दुआ कबूल हो जाए। आमीन। और अगर आप हमारी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट्स में अपना नाम लिख दें। अय अल्लाह रब्बुल इज्जत, अय सारी कायनात के शहंशाह, अय सारी मखलूक के पालने वाले, अय जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, अय आसमानों और जमीनों के मालिक, अय पहाड़ों और समंदरों के मालिक, अय इंसानों और जिन्नात के माबूद, अय अरश अजीम के मालिक, अय फरिश्तों के माबूद, अय इज्जत व जिल्लत के मालिक, अय बीमारों को शिफा देने वाले, अय बादशाहों के बादशाह, अय अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ फरमा। अय अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। अय अल्लाह रब्बुल इज्जत हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। अय अल्लाह हम गुनहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। हमारे माबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ फरमा दे। अय अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। अय अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए। जिंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन आमालों से तू राजी हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। अय अल्लाह हमें तेरे अहकाम की फरमा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नेक और पाकीजा आदाब को अपने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा कर दे। ऐ रब्बुल इज्जत शैतान से हमें हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रिज्क कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगारे आलम हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज पर कादिर है। अय अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से अपने करम से कबूल व मकबूल फरमा और जिसने ये दुआ भेजी है इसे आगे बढ़ा रहा है उसकी सारी परेशानियों तकलीफों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत तंदुरुस्ती अता कर। ये दुआ ऐ मेरे परवरदिगार अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मगफरत फरमा, उन्हें कब्र के अजाब से बचा। जो बीमार हैं या परेशान हैं तू उनको अपने करम से माफ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके जिसने मुझे ये दुआ भेजी है उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा और हर काम में कामयाबी अता फरमा, उसका नसीब खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने लिए जरूर दुआ करवाएं, न जाने किसकी जुबान से आपकी तकदीर खुल जाए। जब तक ये दुआ शेयर होती रहेगी और जितने लोग इस दुआ को सुनते रहेंगे हम सबको सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन।